सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे शेट्टी शाह के बारे में। तो भाई बहुत सारे स्टोरीज डाले थे इंस्टाग्राम पे, तो भाई का कहना है जब बेला ऑफिशियल और रॉपसी म्यूजिक इतना खुला बोल ही रहा है तो मैं भी क्यों मुंह बंद करके रखूं। और उसके बाद लिखे रफ्तार म्यूजिक और एमयूए बंटाई के बीच में कभी भी एक साइड चूज करने बोला तो खुला एमयूए बंटाई। आज भी बंटाई पूछता है कैसा है, क्या कर रहा है, कीप डूइंग, डोंट स्टॉप। उधर खाली पर्दे के आगे सिर्फ बड़ी बड़ी वचन देते हैं। कुछ बोला तो भाई मैं क्या करूं, प्रोड्यूसर के हाथ में सब है। उसके बाद भी स्टोरीज लगाए थे, आप लोग चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और उसके बाद शेट्टी शाह एमयूए बंटाई के साथ एक फोटो स्टोरी पे डालते हुए चुसंबा ट्रैक लगाए थे और लिखे थे बिना वजह डिस करने का #facts। तो सारे स्टोरी के ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या है कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे रफ्तार भाई के बारे में। तो रफ्तार भाई का रोलिंग स्टोन इंडिया के साथ एक इंटरव्यू आया हुआ है, और जिधर रफ्तार भाई कुछ चीज के बारे में बात करे थे, तो आप लोगों को इंटरव्यू का इम्पोर्टेंट पार्ट समझा देता हूँ। तो रफ्तार भाई से पूछा गया था कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था पहले भी कि रफ्तार भाई सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं रफ्तार भाई। तो रफ्तार भाई का कहना है कि मैं पहले जस्टिफाई करता था जब गिरफ्त ट्रैक में एमयूए बंटाई कहे थे पैसे को खाएगा क्या, लेकिन उसके बाद जब एमयूए बंटाई अपने ट्रैक पे यूज करता है ऑटोमेटिक मेरी कार, ऑटोमेटिक मेरी ब्रश, और तब से मैं जस्टिफाई करना बंद कर दिया हूँ। अगर कोई कुछ कहता है तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, आई हैव कम टू अर्न, आई विल नॉट गेट इट ट्विस्टेड। और जिसके बाद उनसे पूछा गया कि रफ्तार क्या फिर से बीफ गेम में नहीं आएंगे, तो रफ्तार भाई का कहना है ऑब्वियसली आएगा, लेकिन असली बीफ हो तब, और जिसके साथ बीफ में आएगा उसके लिए दिल्ली नो लैंडिंग जोन हो जाएगा। मतलब कि अगर जिससे बीफ हुआ वो दिल्ली में शो करने भी आएगा तब भी मार खा के जाएगा। और रफ्तार भाई को ऐसा लगता है कि ऐसा होने की जरूरत भी नहीं है, और अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है इस पे कोई बीफ नहीं है। अगर असली में ऐसे कोई बात हो कि रफ्तार भाई को हर्ट करे तो वो एक बीफ है, और अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है DHH में वो बीफ नहीं है। सीन ऐसा बन गया है कि जैसे बिन वजह पड़ोस के आंटी झगड़ते हैं वैसे। तो आप लोगों ने देखा रफ्तार भाई वार्निंग दे दिया है कि अगर असली बीफ गेम शुरू हुआ तो जिसके साथ बीफ होगा उसका हालात खराब कर देगा रफ्तार भाई। और जिसके बाद उनसे फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा गया तो रफ्तार भाई कहे कि रफ्तार भाई एक म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है एक मूवी के लिए, और जिस मूवी का नाम है संगीन, और जो कि बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा थिएटर पे। तो शायद से रफ्तार भाई इसी का ही बात कर रहे थे काफी दिनों से। और जिसके बाद रफ्तार भाई से फ्लेक्सिंग के बारे में पूछा गया तो रफ्तार भाई का कहना है सबको फ्लेक्सिंग करना चाहिए, फ्लेक्सिंग एक सक्सेस का मार्क होता है, लेकिन फ्लेक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ ज्वेलरी दिखाओ, गाड़ी दिखाओ। फ्लेक्सिंग का असली मतलब है तुम किधर से किधर तक आए हो जिंदगी में, किस मुकाम तक आए हो जिंदगी में। और इंटरव्यू में कुछ हाईलाइटेड पार्ट था, और जिधर रफ्तार भाई का कहना है देयर इज नो रीजन आई एम फाइंडिंग एज टू व्हाई पीपल आर डिसिंग ईच अदर राइट नाउ। मतलब कि रफ्तार भाई को पता नहीं है कि क्यों आजकल सब डिस कर रहे हैं एक दूसरे को बिना कोई रीजन से। और जिसके बाद कहे ऑलवेज ट्राई टू बी अ प्रोवाइडर एंड नॉट अ रिसीवर एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। और जिसके बाद रफ्तार भाई से पूछा इट फील्स लाइक व्हेन एन आर्टिस्ट नोज देयर वर्थ दे आल्सो बिगिन थिंकिंग एज एन एंटरप्रेन्योर, म्यूजिशियन ऑफन हैव अ टफ टाइम रीचिंग दिस पॉइंट राइट। और जिस पर रफ्तार भाई का कहना है कि अगर कोई कहता है कि म्यूजिक सिर्फ पैशन के लिए बनाता है तो वो पूरा झूठ है। और रफ्तार भाई चैलेंज भी करे है कि अगर पैसों के लिए म्यूजिक ना बनाते हो तो सारे यूट्यूब चेक्स चैरिटी फंड में डाल दो। और जिसके बाद रफ्तार भाई का ये कहना है कि कोई अगर एक लेवल पे आ जाता है उसके बाद सब कहते हैं कि वी आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर, वी आर नॉट अ बिजनेसमैन। और उसके बाद भी काफी कुछ कहे आप लोग चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हो, और पूरा इंटरव्यू का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे कलम इंक के बारे में। तो कलम इंक भाई एक स्टोरी डालते हुए लिखे थे प्योर मोटिवेशन दिस कीप्स मी पुशिंग। तो आप लोग देख सकते हो रफ्तार भाई कलम इंक भाई को डीएम करते हुए लिखे थे इतिहास लिखने पे ध्यान दो, ये सब छोटी चीजें हैं। मतलब कि अभी जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है DHH में ये सब छोटी चीजें हैं। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता आप लोगों से और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।